हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित वशिष्ठ। और आज की वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया है और कब तक आएगा वो तो ऑब्वियस है कि आज शाम तक नहीं तो कल तक तो आ ही जाएगा डेफिनेटली। बट मीनवाइल हमें क्या करते रहना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मैनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फीलिंग एंगर एंक्शियस अबाउट देयर रिजल्ट एंड दे आर नॉट सर्टेन कि अभी आगे क्या करना है। मीनवाइल बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका शॉर्ट शॉर्ट एडमिशन हो रहा है इस बार, उनको पता ही उनके कितने मार्क्स हैं कि उनका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका कंफर्म एडमिशन हो रहा है तो कुछ चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहला आप काम ये कर सकते हैं कि आप अपने फोटोग्राफ्स जो भी आप अटेस्ट करने वाले हैं, मतलब बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स का आप अरेंज कर सकते हैं जो कि आपको अपलोड के टाइम पे यूज़ होगा। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम पे जरूरत होगा वो होगा, नंबर वन आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेकेंड होगा आपका 10th मार्कशीट, थर्ड होगा आपका 12th का मार्कशीट, फोर्थ होगा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसी के साथ साथ आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC STWS तो सर्टिफिकेट्स, एज वेल एज अगर आपका कोई माइग्रेशन का सर्टिफिकेट है तो उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो मीनवाइल जब आप इंतज़ार कर ही रहे हैं तो इससे अच्छा कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए, इन सब चीज़ों को आप अरेंज कर लीजिए। और कुछ खास बातों को ध्यान ये रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनका जो साइज़ बताया जा रहा है वो है 10 to 200 KB के बीच में। तो आप तब तक ये काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कीजिए, उनको आप अपलोड कीजिए, जो रिक्वायर्ड साइज फॉर्मेट है उसमें आप उसको कन्वर्ट करके एटलीस्ट रख लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपलोड करना ही है। और जब ये काम आपको रिजल्ट आने के बाद करना होगा, इससे पहले आप रिजल्ट आने से पहले इन सब चीज़ को करके रखें, सो दैट कुछ ना कुछ आपका टाइम भी वहाँ यूटिलाइज हो जाए और मीनवाइल एक्सपेक्टेड है, होप है कि रिजल्ट भी आ जाए। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, आइडियली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट जब भी आते हैं उसमें हमेशा जो मेजर कोर्सेज होते हैं जिनके सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो लॉ फैकल्टी के सीट्स हैं LLB LLM, तो उनके रिजल्ट हमेशा लेट आते हैं, लास्ट दिया जाता है। एंड जो टेंटेटिव डेट्स होते हैं, जैसे कि इस बार 30th of November था, तो एक दो दिन आज 2nd of December हो चुका है, तो ये मान के चलिए कि आज शाम तक नहीं तो कल तक तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो इट्स नथिंग कि कुछ न्यू हो रहा है, ये हर साल का ट्रेंड है, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, इस साल भी ऐसा हो रहा है, और मोस्ट लाइकली अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो क्या पता नेक्स्ट टाइम से अच्छा कर दे, बट मीनवाइल अभी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टेज है तो उसके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडरटेकिंग फॉर्म अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पर अवेलेबल करा दिया इस किस किस डॉक्यूमेंट्स की आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो अंडरटेकिंग है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS इनकम सर्टिफिकेट के जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग, सेकंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अभी आपके पास नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग, एंड थर्ड अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया ग्रेजुएशन का या मार्कशीट नहीं है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। इन सभी अंडरटेकिंग का PDF दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने PG एडमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, PDF फॉर्म में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके आप अपलोड डिजिटली करके रख सकते हैं। एंड मीनवाइल कुछ टाइम आपका इसमें लग जाएगा, तब तक होपफुली रिजल्ट आ जाए। एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्ट कि कब आएगा, बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो, आई जस्ट कॉल्ड टू द फैकल्टी एंड कल ही किया था, कल उन्होंने कहा कि या तो आ जा सकता है या तो कल या परसों एक दो दिन के बाद कभी भी आ सकता है, सो वी रियली डोंट नो कब आएगा, बट हाँ जल्द ही आने वाला है। एंड इसके साथ में इन सब डॉक्यूमेंट्स का आप तैयारी कर लीजिए जब तक। इसके सिवा अगर कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।